दमोह नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी द्वारा संचालित दुकानदारों को दुकान से रोड पर सामान बाहर रखने पर 200 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई। 15 लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई है। साथ में ही जो लोग बिना मास्क के दुकान संचालित कर रहे थे उन पर भी नगर पालिका द्वारा चालानी कार्रवाई की गई। घंटाघर से बस स्टैंड तक चालानी कार्रवाई की गई जिसमें समस्त स्टाफ मौजूद रहा। नगर पालिका CMO निशिकांत शुक्ला के मार्गदर्शन में राजस्व निरीक्षक संजय परिहार, अतिक्रमण दल प्रभारी सपन मिश्रा, सर्वेयर श्री खेत सिंह ठाकुर, ऋषि मिश्रा, अमित सोनी शाह, वास खान, अराफात खान सफाई दारोगा, अभिषेक शुक्ला सफाई दारोगा, तुलसी कुर्मी वसूली करता आपका सफाई विभाग, अंकित सफाई विभाग इत्यादि स्टाफ मौजूद रहा। और एक और वहीं तहसीलदार बबीता राठौर, नायब तहसीलदार रंजना यादव एवं नगर पालिका के द्वारा समस्त मास्क न लगाने को लेकर कोऑपरेटिव बैंक अस्पताल चौराहे तक रानी कार्रवाई की गई और अभी तक 2-व्हीलर और 4-व्हीलर पर 15 लाख रुपए की चालानी कार्रवाई की जा चुकी है। तो व्यापारी और हम लोगों का कहना है कि सरकार चालानी कार्रवाई करती है तो रसीदों की जगह ऑनलाइन चालानी कार्रवाई की जाना चाहिए कि किस व्यक्ति पर कितना चालान काटा और किस वजह से काटा, जो कि सारा पैसा सरकार के खाते में जाना चाहिए। लोग गलती करे तो चालानी कार्रवाई जरूर करना चाहिए। भारतीय न्यूज के लिए दमोह से चतुर्भुज भट्टो दुबे की रिपोर्ट। Subscribe now to most exciting channel ever.